तो अगर हमारी कंपनी के पास कई सारे गोडाउन्स हैं तो उनको किस तरह से मेंटेन करके हमें रखना है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। मैंने यहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने शॉपिंग मॉल नाम से एक कंपनी बनाई थी और उसी कंपनी में हम ये सारे गोडाउन्स के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरह से इसे मेंटेन किया जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोग इन्वेंट्री अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोडाउन्स। तो अगर आप चाहते हैं गोडाउन्स अच्छे से सीखना तो लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा, जिससे आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और बाकी भी आपके दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं टैली पर और सीखते हैं गोडाउन्स। आगे हैं हम लोग टैली स्क्रीन पर और गोडाउन्स के लिए पहले हम इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं। हमने अपनी वही शॉपिंग मॉल वाली कंपनी ओपन कर ली है और गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो में हम जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स ये दिखाई दे रहे हैं, जबकि गोडाउन ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए जनरल के बाद है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस। इसमें हम जब फर्स्ट ऑप्शन पर आएंगे तो ये है हमारा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। इस ऑप्शन को जब हम यस करके एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, उसके बाद हम एस्केप से बाहर आएंगे और अब यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री इन्फो में गोडाउन्स नाम का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यूपी और एमपी में बनाने वाले थे गोडाउन, तो ये हमारा है यूपी, एंटर प्रेस किया है हमने। और इसके बाद है एमपी, ये हमने यूपी और एमपी दोनों बना लिए हैं और कुछ नहीं करना है हमें। तो यूपी में हम बनाने वाले थे लखनऊ, तो ये लखनऊ हमारा कहाँ है, यूपी में। तो अब यहाँ पर एरो के थ्रू हम यूपी सेलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी की जगह पर और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा था अलीगढ़, तो हमने अलीगढ़ ले लिया है और इसको भी यूपी में डाल दिया है। ठीक है, और इसके बाद हमारा है इंदौर, इंदौर हमारा जाएगा एमपी में। और फिर ये है हमारा भोपाल और ये भी हमारा एमपी में है। और इसके बाद था हमारा जबलपुर और ये जबलपुर भी हमारा जाएगा एमपी में, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और आगरा है हमारा, आगरा जाएगा यूपी में, तो ये भी मैंने ले लिया है। और अब हम बाहर आ जाते हैं अपनी वाउचर एंट्री पर, अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अब अकाउंटिंग वाउचर में आके हम जब परचेज और सेल करते हैं, F9 प्रेस करेंगे हम, तो अब हम परचेज और सेल की एंट्रीज देख लेते हैं कि गोडाउन्स में हम किस तरह करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या स्टॉक आइटम ले लिया है, मान लीजिए हमारा ये हमने लिया है बासमती राइस और बासमती राइस को हम पहुंचा रहे हैं लखनऊ में। ओके, तो लखनऊ में हमने पहुंचाया है इसे 900 kg, 80 rupees पर kg है ये। और दूसरा हमारा था अलीगढ़, अलीगढ़ में भी हम इसे पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर ये 500 kg जाएगा। और इसके बाद हमारा था
लखनऊ, आगरा है एक और यूपी का, और ये हमारा है 3200 kg हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली है, हमने यहाँ पर अलग अलग गोडाउन्स में अलग अलग क्वांटिटी ली है, पर रेट सबका एक ही है, क्योंकि मोस्टली जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम वहाँ से ख़रीदते हैं जहाँ पर हमें सबसे कम रेट मिलता है, तो वहीं से हम सारे गोडाउन्स के लिए ले लेते हैं। और ये जो अमाउंट आ रहा है आपका, ये सारा टोटल करके और ये क्वांटिटी भी टोटल करके वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कराते हैं, और अब ये देखिए ये सारा कुछ आपको टोटल दिखाई दे रहा है तीनों गोडाउन्स में जो है। ओके, अब हम एक बार एंटर प्रेस करते हैं और दूसरा कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हमने हरी पत्ती वाला चावल ले लिया है और इसे हम डालते हैं इंदौर में। इंदौर में ये है 6600 kg 100 rupees में, और फिर हम इसे डालते हैं भोपाल में, और यहाँ पर ये 4700 kg है, और फिर हम इसे डालते हैं जबलपुर में, और यहाँ पर ये 1050 kg है, और ये हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया। ओके, तो इस तरह से ये हम करते हैं, जिसमें टोटल तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर अंदर एंटर करने पर हमें दिखाई देगा कि किस गोडाउन में कहाँ पर कितना है। हम एक सेल की भी एंट्री करके देख लेते हैं। जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पर ऐसे हमने किया था बासमती, तो ये हमारा बासमती है, जो कि अगर हम आगरा में लेते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, अगर आगरा में है तो आगरा में 2300 हम सेल कर सकते हैं, अलीगढ़ में 500 kg सेल हो सकता है, लखनऊ में 900 kg हो सकता है। और अगर हम मेन लोकेशन से लेंगे, जो कि हम पहले हमने किया था इन्वेंट्री क्रिएट करते टाइम, तो हम ये 5007 kg ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लखनऊ से ले लिया है 500 kg, या फिर 50 kg मान लीजिए सेल कर रहे हैं, 95 में किया था हम इसको, 100 में कर देते हैं, और अगर हम साथ में ही, वैसे मोस्टली तो सेल की एंट्री साथ में नहीं होंगी, क्योंकि कोई एक कस्टमर एक ही जगह पर आएगा एक टाइम में, अलग अलग जगह पर एक साथ कस्टमर नहीं आएगा, तो मोस्टली सेल एक ही गोडाउन से होती है। बट अगर हम करना चाहें किसी टाइम पे ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं, जिस तरह से हमने परचेज की एंट्रीज की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये सेल की एंट्री हो गई। अब इसी तरह से आप भी और भी परचेज और सेल की एंट्री कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से गोडाउन डिस्प्ले होता है। तो स्केप से हम बाहर आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है गोडाउन्स ऑप्शन। ओके, तो गोडाउन्स ऑप्शन में हम किस गोडाउन के बारे में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम MP में देखना चाहेंगे तो MP में हमारे भोपाल, जबलपुर और इंदौर, ये तीनों गोडाउन्स हमें दिख जाएंगे। किस गोडाउन में क्या है, भोपाल पे हम गए तो राइस है, राइस में हमारा हरी पत्ती है और ये इतने kg है। ओके, इसी तरह से अगर हम इंदौर में जाएंगे तो ये इंदौर में दिखाई दे रहा है हमें राइस इतना है, और यहाँ पर अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये भी दिखाएगा इनवर्ड आउटवर्ड, और फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एंट्रीज भी हम देख हैं। अगर हम ऊपर वाले पे एंटर करेंगे तो यहाँ से परचेज और सेल की एंट्री भी हम जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अगर हम यूपी का देखना चाहें तो यूपी पे हम देख सकते हैं टोटल हमारे पास क्या है, और ये कंप्यूटर, मोबाइल, राइस, ये तीनों चीज़ें हमने ली हुई हैं इसमें, और ये हमारा डेल है,
यहाँ पर हम एंटर करके अगर ऊपर आते हैं तो ये हम परचेज और सेल के एंट्रीज भी देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से गोडाउंस का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। ओके, गोडाउन बहुत इजी है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप करेंगे तो आ जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ओके।